सहगणवैदः श्रीवशाखा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सारे का स्वागत है भगवदगीता दी पंजाबी क्लास विच। सो अज असी पंजाबी दे करांगे टॉपिक में वही कंटिन्यू किया सपने जय संसार ए संसार जिहड़ा सपने वर ते श्रीमद भागवतम दे विच भी उस दिन असी चर्चा कीती सी फ्रॉम दी भगवदगीता ग्रंथ साहिब। ते अज भगवान भगवदगीता च कहंदे ने कि ए संसार जिहड़ा अशाश्वतम है इमप्योर है टेंपरेरी है असी अपने सामने वेख रहे हैं बड़ा टेंपरेरी है संसार है। इस संसार में कुछ भी जड़ा है आज है कल नहीं होगा बिनस जाए पर वो आज के काल है। गुरबाणी कहती है बिनस जाए सब खत्म हो जाना है काल के हत्थे चढ़ जाना है काल का सर्प जड़ा है इनू ग्रास लेगा काल का सर्प सब कुछ खा जाएगा। तो असं अपने सामने वेख रहे हैं कि इस टाइम तो लोग बहुत बड़ी सारी सफरिंग चल रही है पैंडेमिक है कित तूफान आ गया है कित उस दिन अर्थक्वेक आ गया। सो दिस इज देयर कि बड़ा कुछ है संसार उथल पुथल चल रही है और यह जड़ा डेडली पैंडमिक है ये सानू ज़्यादा डरा रहा है ते पर यह संसार ही सुपने वर्गा है इस करके डरन की लोड़ ही नहीं है। अपना कर्म करना है अपने आप को बचा के रखना है अपने सेफ करके चलांगे। पर यह है क्योंकि भगवान ने बुद्धि दीती है भगवान कहते हैं मैं तो सारे इंटेलीजेंस भी दीती है इस करके फॉलो करते हुए असं अपने आप को सेफ करके चलने हैं। बट अल्टीमेटली संसार जड़ा है सुपने वर्गा है। तो मैं आज भागवतम चो एक श्लोक कढ़िया है उन्होंने असी सारे पढ़ांगे। ग्यारहवां कैंटो है भागवतम का और ग्यारहवां ही चैप्टर तो उदा अठवां श्लोक है देहोस्थौ अपि न देहस्थौ विद्वान स्वप्नाद यथो इत्था अदेहस्थौ अपि देहस्थ घूमति स्वप्न दृगा यथा। शब्द आ गया स्वप्न तो नहीं समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ। देहोस्थ अपि न देहस्थ कहने कि यह जरा मटीरियल बॉडी है देह स्थ सिचुएटेड अपि ऑल दो असी इस बॉडी दे विच वी आर सिचुएटेड पर वह कहने कि यह की है वन हू इज इनलाइटेंड द फुल अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन करते हैं शब्दों का एक एक अर्थ दिता गया है पर फुल ट्रांसलेशन जो आती है तो लिखते हैं वन हू इज इनलाइटेंड इन सैल्फ रियलाइजेशन जिन्हों ज्ञान आत्म साक्षात्कार का हो गया है कि मैं कौन हाँ मैं कितों आया मैं कितने जाना है मैं संसार च की कर रहा मैं किस वास्ते संसार च भेजा गया जो यह समझ जाता है तो कहते हैं वन हू इज इनलाइटेंड इन सैल्फ रियलाइजेशन ऑल दो लिविंग विद इन द मटीरियल बॉडी ऑल दो लिविंग विद इन द मटीरियल बॉडी जबकि असं इस शरीर च रह रहे हैं भौतिक देश आत्मा की गल हो रही है तो सैल्फ रियलाइज जरा व्यक्ति है उन्होंने यह ज्ञान हो गया कि आत्मा ही सब कुछ है देह तो अज है कल नहीं होएगा। तो इस करके श्रीमद भागवतम च लिखा जा रहा है वन हू इज इनलाइटेंड इन सैल्फ रियलाइजेशन ऑल दो लिविंग विद इन द मटीरियल बॉडी सीज हिमसैल्फ एज ट्रांसडेंटल टू द बॉडी वह है जिन्हों पता चल गया कि मैं आत्मा आ गया मैं इस आत्मा इस शरीर तो उपर हाँ तो वह इस देह देह तो उपर वेखद अपने आप को ही इज ट्रांसडेंटल टू द लिविंग बॉडी वह अपने आप को ट्रांसजेंड कर लेंद वह अपने आप को शरीर को वखरा मनता है। तो जे वखरा मनता है तो वह की अर्थ है जस्ट एज वन कहते हैं जिन एक बंदा वन हू हैज अरिजन फ्रॉम अ ड्रीम गिव्स अप द आइडेंटिफिकेशन विद द ड्रीम बॉडी सपना तुम ही देखते हो तुम सौंदे हो राति तुम सपना वेखते हो सपने दे विच तुसी आप ही तुसी वेख्या सपना पर सवेरे जो उठते हो तो तुसी सपने को वखरे हो और सपने च जो सी वो तुसी हुण नहीं हो सपने दे विच तुसी पता नहीं कित्थे की बन गए कित्थे चले गए की बनया की होया पर जो नींदर खुलती है तो नींदर जो खुलती है तो सपना टुट जाता है तो असी वो नहीं होंगे जो असी सपने च हगे सी। तो द ट्रुथ रियलाइजेशन ट्रुथ आती है सामने इस करके गुरबाणी कहती है एक बड़ा ही सोहना शब्द है कि जागना जागना हर कीर्तन में जागना जो जग गए हाँ जो सवेरा हो गया बी अवेकन इन द कीर्तन ऑफ हरी जो तुम जाग गए हो तो हरी के कीर्तन च जागना है। तो कहते हैं कि आराधना आराधना की आराधना है हर हर नाम आराधना तो हरी का नाम आराधना है मंगना की है मांगना मांगना गुर तो
हर जस मांगना, ते गुरु को की मंगना है, हरि दा कीर्तन, हरि दा यश मंगना। ते कहंदे वापस इस श्लोक ते आने हैं, ते कहंदे कि वन हू हैज रिजन फ्रॉम अ ड्रीम गिव्स अप द आइडेंटिफिकेशन विद द ड्रीम बॉडी। सो जिस शरीर ने सपना वेख्या सी ओदे कोलों असी वखरे हो जाने। अ फुलिश परसन हाउएवर, ते नाल ही भागवतम कहंदी है फुलिश परसन, ओ मूर्ख व्यक्ति जड़ा है, हाउएवर ऑल्दो नॉट आइडेंटिकल विद दिस मटीरियल बॉडी बट ट्रांसडेंटल टू इट, थिंक्स हिमसेल्फ टू बी सिचुएटेड इन द बॉडी। ते मूर्ख व्यक्ति इस तो बिल्कुल उलट होएगा सेल्फ रियलाइज्ड सोल को, ओ जड़ा सपने च जड़ी उन्हें बॉडी वेखी सी वो यही सोचता है कि मैं हाली ओ ही हैगा। साडा यही हाल है इस भौतिक जीवन च, असी अज हाँ कल नहीं रहना, पर असी अपने आप नू सपने जो ही उंजी जो सोच रहे हैं कि हाँ यह मेरा है, इतने जो मैं इकट्ठा कर रहा है मेरा है, हमेशा मेरा ही रहेगा। ते लिख देन अ फुलिश पर्सन हावर ऑल्दो नॉट आइडेंटिकल विद दिस मटीरियल बॉडी बट ट्रांसडेंटल टू इट, thinks himself to be situated in the body, just as one who is dreaming sees himself as situated in the imaginary body. So, बिल्कुल ओंजी जिन तुसी सपने दे विच अपने आप नू कोई राजा मान लंदा है, कोई अपने आप नू कोई फिल्म एक्टर मान लेगा, कोई अपने आप नू बड़ा फेमस व्यक्ति मान ले, पर जदों नींदर टुटदी है तो व्यक्ति ओ नहीं होंदा। ते एंजी असी इस संसार च रह रहे हैं, तो सपने विच ही रह रहे हैं, पर असी इहनू सच्चा मान लिया कि हाँ यह मेरा घर है, मैं इत्थे ही रहना है, हमेशा मैं इत्थे ही रहना है, मैं जो कर रहा मैं चंगा कर रहा, लेट मी इंजॉय द लाइफ, मैं जीवन मिलया इंजॉयमेंट वास्ते, वो देखता ही नहीं कि मैं जीवन मिलया क्यों है। तो सब तो बड़ी मूर्खता है कि जो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं होंगे, इस करके श्रीमद भागवतम कह रही है वन हू इज इनलाइटेंड इन सेल्फ रियलाइजेशन ऑल दो लिविंग विद इन द मटीरियल बॉडी, क्योंकि जड़ा इस भौतिक तेज भी रह रहा है बट सेल्फ रियलाइज्ड है, जिन्हें रियलाइजेशन ले ली है कि हाँ मैं ए शरीर नहीं मैं आत्मा, तो वो व्यक्ति जड़ा है ही इज अरिजन फ्रॉम द ड्रीम, वो सपने चो जाग गया है, सपने जो संसार है। गुरबाणी के एक और 808 नंबर पन्ने के उत्ते, गुरबाणी के अंग 808 के उत्ते बड़ा सोहना एक कोट आंदा है सपने के उत्ते, वो मैं आप सब दे नाल शेयर करना चाहनी हाँ। आई विल जस्ट टेक इट आउट, क्योंकि भगवान गुरबाणी के विच आंदा है कि सपने वर्गा ही संसार है। मैं पिछली दफा भी तुम पढ़ के सुनाया सी, आज दिस इज मोर, दिस इज अनदर लाइंस व्हिच आई एम गोइंग टू रीड टू यू, दे आर इक्वली ब्यूटीफुल। ते इस श्लोक नूं फिर असीं इत्थे चर्चा दोबारा करांगे कि सेल्फ रियलाइजेशन है की। सेल्फ रियलाइजेशन जदों असीं सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता कीता, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं इस देह नहीं, मैं इह शरीर नहीं, मैं की हैगा, मैं आत्मा। ते गुरबाणी दे विच इह आंदा 808 नंबर अंग दे उत्ते, मृत मंडल जग साजया त्यों बालू घर बार। एदा अर्थ है दिस पेरिशेबल रियलम एंड द वर्ल्ड हैज बीन मेड लाइक अ हाउस ऑफ सैंड। बालू दा अर्थ है रेत, ते रेत दा घर है साडा इत्थे जिहड़ा है। मृत मंडल साजया ज्यों बालू घर बार, बिनसत बार न लागे ज्यो कागद बुंदार, इन नो टाइम एट ऑल इट इज डिस्ट्रॉयड लाइक अ पेपर ड्रेंच्ड इन वाटर। रेत दा घर है, यह मिंटां सकिंटां च खत्म हो जाना है, जिंज कागज नु गिला करता तो उसी टाइम ही खत्म हो गया। सुन मेरी मनसा मने माए सत देख विचार, लिसन टू मी पीपल बिहोल्ड एंड कंसिडर दिस विद इन योर माइंड। अपने मन दे विच विचार करो, मन जिहड़ा है वह निवान वल जांदा है, मन साडा मित्र नहीं है, मन नु मित्र बनाना पैंदा है। मन जे दुश्मन रहेगा तो सानू इस संसार तो बहुत ही कष्ट भोगने पैणगे, इत्थे कष्ट ए वाले कष्ट नहीं जड़े से सोचने हैं कि धन चला जाएगा या मटीरियल, कष्ट आएगा जड़ा यमदूत देंगे। तो कहते मन की ना सुनो, सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरी जोगी तज गए घर बार। कहते सारे सिद्ध सारे गृहस्थी जिन्हें आए इतने, जिन्हें वे वे व्यक्ति आए योगी भी हो गए, उन्हें सारे ने घर त्याग के इतों चले गए। जैसे सुपना रहन तैसा संसार, जैसा सुपना है ए वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम, ए तो रात वे सुपने वर्गा है संसार है, ए तो इंजी कागज का है, इंजी खत्म हो जाएगा। दृष्ट मन सब बिन सीए क्या लगे गवार, ऑल दैट इज सीन शैल पेरिश, व्हाई आर यू अटैच टू इट ओ फूल। और भागवतम की कहती है अ फूलिश पर्सन हाउएवर थिंक्स दैट दिस इज माय, दिस इज द रियल, यह जरा इमेजनरी संसार है, यह सच्चा है, मेरा अपना घर है, इतने मैं रहना है। और गुरबाणी कहती है कि ऑल दैट इज सीन शैल पेरिश, वाई आर यू अटैच टू इट यू फूल,
दृष्ट मान सब बिनसिया, बिनसिया का अर्थ है खत्म हो जाएगा, क्या लागे, क्या लगे गवार, गवार का अर्थ है मूरख, कहां सु मीत, कहां सु भाई मीत है देख नैन पसार, कहते ना अपनी अखा खोल के वेख तेरे रिश्तेदार, तेरे भरा, तेरे मित्र बंधु किथे चले गए, जिन पूरा सतगुरु सेविया से अस्थिर हरी द्वार, दोज हु सर्व्ड द परफेक्ट गुरु रिमेन एवर स्टेबल एट द डोर ऑफ हरी, हरी दे द्वार ते पहुंच गए जेड़े स्थिर बुद्धि वाले रहे, सेल्फ रियलाइज्ड रहे, ओ हरी दे कार अपने कार वापस पहुंच गए, जन नानक हरी का दास है राख पैज मुरार, कहने वो नानक कहने मैं सर्वेंट, मैं जन नानक, मैं एक बड़ा अदना जिहा तुहाडा दास हाँ, भगवान नूं कहने दास नानक कहने मैं हरी तुहाडा की हाँ, हरी का दास हाँ, रख पैज मुरार, मेरी जड़ी प्रिजर्व माई ऑनर, मेरी मेरे ते कृपा करो मुरार, ओ मुरारी, मुरारी कौन है जिन्होंने मूड़ा राक्षस का वध किया है, दैट इज कृष्णा, ए मुरारी मेनू अपने चरणा दे विच अपने कोल वासा देना, सो दिस इज देयर, जड़े घट बुद्धि वाले ने ओ इस संसार दी चीज़ां च खुश हो जाते, वह भौतिक चीज़ां नू पा पा के ही खुश होंगे, भौतिक शरीर नू देख देख के रजदे नहीं, अपने शरीर नू ही सोहना बनाते लगे रहते, आत्मा नू सोहना बनाना भूल जाते, सो सेल्फ रियलाइज्ड सोल जड़ी है दैट इज एन एनलाइटेंड सोल, तो सानू की बनना है सुपने वर्गे संसार नू असी सब ने त्यागना है, ए संसार सारे ने छड़ के जाना, तो लेट मी वेलकम एवरीबडी, अज क्लास शुरू करके आई थॉट के मैं थोड़े लोग और ज्वाइन इन कर लें, दैन आई शुड वेलकम एवरीबडी, सो आई विल वेलकम एवरीबडी एंड दैन विल गो, और सारे हूँ जिन्हें जिन्हें ने रजिस्टर किया है मेरे नाल आई विल बी सेंडिंग अ ईमेल सून, तो उन सारे ईमेल आएगी विद द लिंक, तो 5:30 बजे क्लास होएगी ऑन द सिस्को वेबएक्स, सो सिस्को वेबएक्स से जिन्हें लोग आ सकनगे अकोमोडेट हो सकन, क्योंकि आई गॉट मोर देन से नियरली 300 or 200 समथिंग मोर देन दैट 250 मोर देन 250 आई थिंक सो आई गॉट द रजिस्ट्रेशन, तो लेट मी सी, नहीं तो फिर वी विल टेक द क्लास इन टू लैवल्स, इट विल बी आई वन टूडे एंड देन वन टूमोरो, जड़े रह जाएंगे उन्होंने कल क्लास लाँगी, बट आई श्योरली टेक द क्लास विद एवरीबडी, सो लेट मी वेलकम एवरीबडी, विशाल कुमार प्रिमलानी, कमल चावला, किरण कोहली, रेणु गुप्ता, सीमा सरना, शी इज आस्किंग किरण कोहली, देर इज दैट वेबएक्स, सिस्को वेबएक्स क्लास, नरेश बाली, इंद्र दमोन, दानिश शर्मा, हरे कृष्णा, सुधा शाही, हरिबोल, भविका खत्री, विजेंद्र सिंह, अनु अरोड़ा, माधुरी मीनाक्षी, पुरुषोत्तम शर्मा, सोनिया मेंदीरता, कंचन शर्मा, रचना डींगरा, पूनम धवन, उमेश सबरवाल, पूजा मल्होत्रा, आरती वदावन, चांदना पल, मोनिका सचदेव, तानिया हरिबोल, नीना खन्ना, ऋतु रेमरजानी, आशिमा सेठी, नीरज खन्ना, दीप्ति कोचर, शमा महाजन, किरण आनंद, सुनील ठांगड़ी, डॉक्टर सुनील ठांगड़ी जी, हरे कृष्णा, होप यू आर डूइंग अ वेरी गुड सर्विस सुनील ठांगड़ी जी, लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू, वी शुड ऑल चैंट विद फॉर हिम, ही इज डूइंग अ कमेंडेबल सर्विस टू द COVID-19 पेशेंट्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मोनिका निगाने, शुचि वृंदवासु, ऋतिका रुगानी, आशा जेवरी, अंजलि मलिक, शीतल अग्रवाल, पूजा शर्मा, शुभम शर्मा, प्रीति प्रिया, सुमायरा ठुकराल, रजत ठाकुर, गुलशन रजत ठाकुर सेज वी आर गोइंग टू मिस दीज ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर लॉकडाउन, इफ कृष्णाज मर्सी विल बी देयर यू विल नॉट लूज आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो, मे बी आई विल बी देयर, आई विल बी गिविंग द क्लासेस होपफुली विद कृष्णाज मर्सी, गुलशन भाटिया, पूजा अग्रवाल, हाउ टू अटेंड दिस 5:30 क्लास टुडे, दानिश शर्मा, यू शुड हैव रजिस्टर्ड विद अस, देन ओनली यू विल गेट द लिंक एंड देन यू कैन जॉइन इन, Malima Garg, Hare Krishna, that's Komal Garg. Then let's go to the Facebook, let me welcome those, Suman Kapoor Saudi Ji, Abhishek Yadav, Poonam Dhawan, Shreshnath, Shreshnath, Vidhi Miglani, Kapil Agarwal, Vinod Mendru, Raju Anda, Deepak Arora, Anu Arora, Manoj Joshi, and Kush Charak, Pooja Malhotra, Yash Sharma, Usha Kanojia, Yudhvir Yadav, Sarita Kapoor, B. Yadav, Sunita Sisodia, Mukul Harmilapi, Hare Krishna, Sunanda Sahu, Haribol, Kuldeep Mohan, Hare Krishna, Kiran Kohli, Amrit Madhur, Atam Bahadur, Ranu Mahajan, Praveen Bansal, Sangeeta Dev, Dr. Sakshi Rajataria,
भीमराव खलावी मनोज जोशी, अगर इंसान सच्चा है भगवान दी रजा विच रहंदा है ते वह सपने विच भी भगवान दे नाल ही जुड़िया रहंदा है। वो सपने विच भगवान नाल तरी जुड़िया रह सकदा है जे वो कदी भी भगवान नु भुले ना। तो भगवान नु भुलेगा किंज नहीं जे हमेशा भगवान दी सेवा च लगा रहेगा। तो अज दा टॉपिक है ही है शाम दी क्लास दा भी डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस। सो प्योर डिवोशनल सर्विस जड़ी है वो बड़ी ही जरूरी है साढ़े वास्ते। दानिश शर्मा आस्किंग हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, यू आर ऑन द व्हाट्सएप दानिश शर्मा एंड आई हैव पुट ऑन द फेसबुक आल्सो, ऑन द व्हाट्सएप आल्सो देयर इज दैट गूगल फॉर्म वी हैव प्रिपेयर्ड, माय चिल्ड्रन हैव प्रिपेयर्ड, इट्स देयर, यू कैन फिल दैट अप। राकेश कुमार हरे कृष्णा फ्रॉम अमृतसर, हाउ विल वी कम टू नो दैट वी आर अटेंडिंग द इवनिंग क्लास, मलिमा गर्ग, यू विल बी गेटिंग अ ईमेल, यू गिवन मी योर ईमेल्स, यू विल गेट अ ईमेल एंड देन व्हेन यू विल जॉइन इन देन ऑफ कोर्स there will be all the participants will be there। Sonia Mehndi Ratta class 10 करने के लिए download करनी पड़ेगी। Samaira Thakral they will be yes। Radha Agarwal, Danish Sharma, Manoj Joshi, Nemi Saran, Shiva Hema, Muralidhar Vardhani, Chandralal Patia, Deepti Saxena, Pooja Malhotra, Sanjay Malhotra, Rajesh Vaswani, Payal Wadhwa, Renu Gera, Sudhir Sekka, Anita Reja, Yogi Thrani, Madhuans, I'll read the names later now। क्योंकि एक सारे नो जरूर है कि सारे क्लासेस जरूर शेयर करन, जिन्ना असी शेयर करांगे उन्ना असी होर लोगों तक पहुंचांगे ते असी किदे प्रिय बनांगे, भगवान दे प्रिय बनांगे। बड़ी बड़ी सेवा है क्योंकि इस लॉकडाउन च बड़े लोग परेशान हैं, बड़े लोगों के उत्ते बड़ी ज्यादा की कां दुख आए हुए हैं, विपत्ति पई हुई है। साढ़े जानकारी एक उन्होंने जड़ी लेडी नो शी जस्ट पास्ड अवे, शी हैड अ प्रॉब्लम विद हर किडनीज एंड शी वॉज इन आर अर्ली 50s ओनली, शी जस्ट पास्ड अवे, उन्होंने किडनीज की प्रॉब्लम सी, बट जो द कोविड ऑल्सो अटैक्ड हर इन वन ऑफ अर डायलिसिस, लास्ट डायलिसिस शी वेंट, शी वॉज अटैक्ड बाय कोविड एंड देन उन्होंने पता ही नहीं किसी ने चलिया, उन्होंने डायलिसिस तो बाद कर लिया है एंड शी पास्ड अवे विद इन फ्यू डेज। तो जो उन्होंने फिर क्रिमेशन वास्ते लिजाया जा रहा है तो उन्होंने क्वारंटाइन किया गया, उन्होंने हसबेंड उन्होंने बेटे नू, तो उन्होंने उन्होंने टेस्ट होया तो दे केम आउट पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। सो नाउ द हसबेंड इज ऑलसो इज बीन टेकन टू आइसोलेशन। तो एक बेटा है उन्होंने, वो बेटा जोड़ा है वह कला घर के बच्चे, वह टेस्ट हो गया होया, ही इज उन्होंने घर के क्वारंटाइन आइसोलेट करता है उन्होंने एंड उन्होंने बेटी मैरिड है, वह भी डेथ द टाइम आई क्रिमेशन द टाइम उन्होंने भी क्वारंटाइन करता गया वो घर के। सो दिस इज उन्हों का पूरा घर बिखर गया है। सो इट इज रियली डिस्ट्रेसिंग ए मोमेंट जो बड़े दुख दे गए उन्होंने वास्ते। सो वी ऑल शुड प्रे फॉर दैम, प्रे फॉर एवरीबडी दोज हु आर सफरिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो असी वापस श्लोक ध्यान है, Purport is Prabhupada likhte hain, in Lord Krishna's discussion of different characteristics of liberated and conditioned souls, the Lord first clarified distinction between the liberated personality of Godhead and the marginal potency and the innumerable jivas. Bhagwan ne second chapter, jada si dusra adhyay Bhagavad Gita da kita, ode cha puri charcha kiti Bhagwan ne, ki atma ki hai, sharir ki hai, liberated soul kedi hundi hai. Jeevat hi mukt kaun hai? जिन्हें रब का नाम लिता है, जो रब के नाल जुड़िया है संसार के विच रहिंदे होए, जिहड़े रब की सेवा कर रहे हैं, वह जीवत ही मुक्त किया गया, वह सैल्फ रिलाइज सोल है। क्योंकि उन्हें की समझ लिया है कि यह आत्मा जिहड़ी है शरीर को अलग है, तो आत्मा ओदा संतुष्टि ओदा भोजन देना है। से यह पर्पट भी जो असं श्लोक का पढ़ने हैं ट्रांसलेशन, वन हू इज एनलाइटेंड इन सैल्फ रिलाइजेशन ऑल दो लिविंग विद इन द मटीरियल बॉडी, जबकि वह इस देह दे विच भी रह रहा है तद भी इस देह तो अपने आप नूं वखरा समझता है। मैं एक बड़ा सोहना सुन रही सी अच कि चार तरह के लोग होंगे, चार तरह के भक्त होंगे जो सत्संग सुनते हैं। उन्होंने सब तो पहला होंगे जोड़ा ऊंघना, कई लोग कहते हैं जप कर लगने जो सत्संग सुनने कभी तो नींद आनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं वह ऊंग जाते हैं, उन्होंने ऊंग ऊंघना हो जाता है, वह सोन लगन दे पैदा और मतलब जो सुन भी रहे हैं उन्होंने बस एक कन्ना च पै रहा पर निकल गया, तो वह ऊंगन लगते हैं। तो दूजे आते हैं जेड़े वो आते हैं सूंगन वाले, सूंग एक है ऊंगा सूंगा,
ਤੇ ਸੁੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਚ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਜ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੰਗਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੰਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੁੰਗੇ, ਉਹ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲੈਣ ਮੋਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਗੀਤਾ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸੁਣੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਟੋਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਟੋਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਕੋਰਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਡੂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਕਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੁੰਗਣਾ, ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤਮ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਤੋਤੇ ਵਕਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਗੇ ਕਹਿਲਾਏ, ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਈਏ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤਦੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਅਨਲਾਈਟਡ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਡਸ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਬੀ ਦ ਪਰਫਾਰਮਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਨਲਾਈਟਡ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਸਤਵਾ, ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਸਤਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਸਤਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗੋ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਤੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ, ਨਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਇਸ ਭਗਵਾ, ਨਾ ਤੰਦਲਾ ਰਜੋਗੁਣੀ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਇਸ ਤੰਦਲਾ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰੰਗੋ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਧਰੁਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਪਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ, ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਆਤਮਾ ਟੋਰਚਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਬਸ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਆਰ ਗੋਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਗੋਡ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵੈਰੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
कह रहे हैं कि जेड़ा है कंटामिनेशन तो फ्री है, मटेरियल डिजायर्स में कंटामिनेशन क्या गया? कंटामिनेशन मींस जड़ी प्योर नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जड़ी गंदी है, मैली है। तो कहने ने मटेरियल चीजें जड़ी हैं ए मैल दी परियां, ए साडे मन दे विच मैल पड़दी है। जिन गुरबाणी च कहंदे ने त्यागना त्यागना, की त्यागना है, की त्यागना चाहिए है? काम क्रोध लोभ मोह त्यागना, जिंज मांगना की है हर दा हरी दा यश मंगना है गुरु को, कि मैं हरी दा यश गा सकूं। असी की मंगने हैं भौतिक चीजा, मैनू ए दे दियो मैनू वो दे दियो, चाहे असी सोचने अच्छा कोई बहुत बड़े संत महात्मा तो उन्होंने को जावांगे तो कहेंगे मेरा प्लीज कृपा कर दो, मेरा नवा बिजनेस ठीक चले, ए मेहर कर दो मेरे बच्चे का विवाह अच्छा हो जाए, ए कर दो कि मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए। यह सारी भौतिक चीजा, यह सब है संसार दी। संता महात्मा को की मंगना है? मंगन का भी बल होना चाहिए। मंगन भौतिक चीजा मंगन वाला अकलमंद नहीं किया गया। मांग की मंगना है गुरु को, की मंगिए हरी का यश मंगिए, कि मैं हरी का यश गा सका, हरी का यश सुन सका, हर जस मांगना। तो मंगन की भी जांच होनी चाहिए कि मैं की मंगना है। तो दिस इज देयर कि हरी के नाँ के बिना छुटकारा है ही नहीं, से हर बिना हरि भजन ना ही छुटकारा। कहने कि ऐ कहो नानक ऐही तत् बिचारा, बिन हरि भजन ना ही छुटकारा। बिनी बिना हरि दे भजन दे छुटकारा है ही नहीं है संसार तो। ते फिर भौतिक चीजा क्यों मंगनियां जड़ियां मैलियां, जड़ियां इस संसार विच सानू फसान वालियां। से कहने कि ही नोज दैट इन ऑल सच एक्टिविटीज इट इज ओनली द सेंसेस। उनकी अगर सब तो साडे अंदर जड़ी एक चीज है जड़ी सानू फसा के रख दी है, वो इत्थे कही जा रही है, वो की है साडियां इंद्रियां, साडियां सेंसेस। और वो कितों जन्म लै रही है? बोर्न आउट ऑफ द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। साड़ी इंद्रियां नू ओ वशिच करके रखता है, जिस गुण च असी स्थित होने हैं ओ उस गुण दे विच ओ कार्य करने हैं। असी रजोगुणी च होने हैं ते असी राजसिक कार्य करने हैं, ओ तंदले कार्य। तंदले मीन्स कन्फ्यूज, वी विल रिमेन कन्फ्यूज। असी रजोगुणी रहेंगे ते कन्फ्यूज रहेंगे, रजोगुणी है होर होर होर, मैनू होर चाहिए, आई वॉन्ट मोर, मैं इस संसार विच आया ते मैनू ए भी मिल जाए वो भी मिल जाए, बस इस भौतिक चीजा के पिछे पागल हो जाओ। जेड़े इंज अपने दिमाग नू बस दिमाग के घोड़े पढ़ाई रखते हैं कि मैं भौतिक जीव संसार बस फसन वाले ही कार्य करते हैं, मैनू ए मिल जाए वो मिल जाए, मैनू मैं एनू भी पाला वो खा ला, ए इत्थे घूम ला, ए कर ला, पर अपनी आत्मा नू वो देना भुल गए जो आत्मा का भोजन सी। सो दिस इज देयर की वो उस मटीरियल नेचर दे मोड ऑफ मटीरियल नेचर दे विच उसी च फस जांदे। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस जदों आंदे हो ते की वो की काम करांदा है? वह तमोगुणी कार्य कराता, वो तुहाड़े कार्य जड़े तमोगुणी हो जाएंगे। तुसी नॉन वेज खाते हो, शराब पीते हो, तुहानू भगवान की कोई गल समझ नहीं आएगी, नींदर ज्यादा प्यारी है, आलसी हो, तो उंगण वाले हो, सत्संग बैठ के भी उंगना ही है, उत्थे भी कुछ लैके नहीं आना, उंग के आना। सो दिस इज देयर कि यह चीजा जड़ियाँ तमोगुणी, तो जिस गुण के स्थित हो वह गुण तुहाड़े कोलों करा काम कराता है। So he knows that in all such activities it is only the senses born of the modes of nature that are contacting sense objects. The indriyan jadiyan apne vishay labdiyan, indriye apne indriye vishay labdiyan, aur indriyan ona vishayan de piche daudiyan, aur o indriye on vishayan nu paake o sukh manana chahdiyan jehda sukh labna hi nahi hai. So that are contacting sense objects born out of the same modes of material nature. तो वो वाले सेंस ऑब्जेक्ट्स लगते हैं जड़े ऐसी मटीरियल नेचर है भौतिक संसार दे। जे तुहाड़ी इंद्रिया कहती है मैं ये पिछे दौड़ा, मैं ए खावा, मेरे मुँह का स्वाद है, मैं ये खाना है। लोगों नू बड़ी तकलीफ होंगी है चाह तक छड़न वास्ते, इन्ना स्वाद है चाह का, कह गया कि चस्का है, कि उहदे नाल एडिक्शन है। इस करके भगवान ने अडिक्शन जड़ा गया ऐसी करके बनाया कि किसी भी भगवान के सिवाय होर किसी चीज़ से अडिक्शन नहीं होना चाहिए। और किसी चीज दे विच तुहाड़ा एडिक्शन मीन्स दैट इज गोइंग बियॉन्ड योर केपेबिलिटीज, इवन दैट यू आर यू कैनॉट लिव विदाउट इट। सो एडिक्शन होए तो रब दे नाल होए, एडिक्शन होए तो भगवान की चर्चा नाल होए, भगवान दे संग दे नाल, सत्संग दे नाल एडिक्शन होए। सो इट इज देयर कि तत् विच्छु महाभाव गुना कर्म विभागयो गुना गुणेशु वर्तन्ता इति मत्वाना सज्जते। तीसरे अध्याय का
28वां श्लोक है भगवद गीता का. वन हु इज एंगेज्ड इन द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ ओ माइटी आर्म्ड वन डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द सेंस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन नोइंग वेल द डिफरेंस बिटवीन वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्यूटिटिव रिजल्ट्स. तो उन्हें पता है कि उन्हें किदे विच कार्य करना है. तेरा अर्थ है कि असी जन्म लेता है इस संसार दे च, इस भौतिक प्रकृति इस भौतिक संसार च, मृत्यु लोक च जन्म लेता है, पर सानू कम की करना है, काम अध्यात्मिक करना है. एंड दिस इज देयर लोग यह सोचते हैं फिर भगवान ने जन्म क्यों दिता सी. जन्म दिता है तो इस करके दिता है कि चीज़ा भी बनाई हैं साढ़े वास्ते बनाई हैं सानू इंजॉय करनी है, पर इत ही मूर्खता कर जाते हैं. इत ही दैट इज द फुलिशपन कि असी उन चीज़ों फस जाते हैं और उन चीज़ों ने फस के असी संसार नू खुद भोगना चाहते हैं. यह संसार साढ़े भोगन वास्ते है ही नहीं, सुपने जी वह संसार है और इस सपने चो जागना पेगा. जाग तो किदे विच जागना है, हरी दे नाँ दे विच जागना है. So get awakened. And Jinja, we were doing the story of Dhruv Prahlad, we did the stories of Ganika. Te inj karke assi aneka aneka stories kathawan kitiyan, ajamal di katha kiti hai. Te sariyan kathawan jehdi unna da nichod ikko hi hai. Eh kathawan kis waste hundiyan? These are not, eh kathawan sirf is karke nahi ki assi unna nu enjoy kariye. Eh kathawan is karke ne sanu मॉरल समझाते हैं कि साडा जीवन किंज होना चाहिए. आइडियल लाइफ इज किहो जी है, आइडियल स्पिरिचुअल लाइफ किहो जी होंदी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि असी अपने मन के पिछे ना दौड़िए. मन जड़ा है यह निवाण वल जाएगा, मन हमेशा पटकाएगा. मन ने हमेशा धोखा दिता है, कई जन्मों तो धोखा दे रहा है, कई जन्मों तो धोखा दे के असी इस जन्म च फिर वापिस उत्थे ही ना खलो जाइए. एक मैं सुन रही सी बड़ी अच्छी एक एनालॉजी सी कि बैलगड्डी दे विच एक बैलगड्डी वाला जा रहा है, जिन पुराने जमाने तुसीं देखिया होएगा पिंडां दे विच भी अजकल आज भी देख सकते हो बैलगड्डी समान ढोंदे. बैलगड्डी वाला जा रहा है सड़क दे विच रात दा टाइम है, वह की करदे ने बैल नूं सीधे रस्ते पा दिंदे, बैल तुरदा रहिंदा आपे धीरे धीरे और आ बैलगड्डी वाला सो जांदा है. ते इंजी बैलगड्डी वाला सो गया बैल नूं सीधे रस्ते पा के, पिछे एक ट्रक आया हुन हॉर्न मारदा रहा, बैलगड्डी हटे ही ना. जब बैलगड्डी नहीं हटती तो रस्ता नहीं दे रही, तो ट्रक वाले ने रस्ते ट्रक साइड से किया आप उतरिया थले. तो उन्हें सोचा कि इन बैलगड्डी वाले नू मैं जरा इट इज क्या होंगे लाइटर मोड. उन्हें बैलगड्डी वाले नाल शरारत की, उन्हें उन्हें उठाने की बजाय वो बैलों का मूँह मोड़ता और बैलों पुठी तरफ मूँह मोड़ता, वह बैल वापस तुर पे और ट्रक वाले ने रस्ता मिल गया, वो चला गया. तो ट्रक चला गया है, बैलगड्डी वापस मुड़ गई है. बैल वाला जो बैलगड्डी वाला है वो नींदर खुली है, चानना होया दिन चढ़िया है सवेर हुई है, वो नींदर खुली, उन्हें वेख्या है तो कितने आ गया मैं बैलों का मुख मोड़िया से इधर न, मैं वापस मुड़ के मुड़ उ पहुंच गया जितों मैं शुरू हो रहा. सो दिस इज लाइफ सी, अपना रुख जड़ा है वह भगवान वाल मुड़ना है, नहीं तो असी की करांगे वापस उत्थे खड़े मिलांगे. 84 लाख योनिया जितों छड़निया सी उत्थे ही वापस मुड़ पहुंच जावांगे 84 लाख योनिया दे विच. सो दिस इज देयर कि अपना सिर्फ ए होंदा सी सोचने हां कि मैं बस पाठ कर रहा, मैं सत्संग सुन रहा, हूं तो मैं पहुंच ही जाऊंगा. सोना नहीं पेगा, जागना पेगा. ए कथा है कि बैल गड्डी वाला सो गया है, रस्ते ते बैल नू पाता है, सोच रहा मैं पहुंच जाऊंगा. इंजी साडा जीवन है, असीं सोचने हां सत्संग कर रहे हैं माला कर रहे हैं ठीक है, हुण तां असीं पहुंच ही जाएंगे, पर सिंसियरिटी लियानी पेगी, जागना पेगा. हर मोमेंट यू हैव टू बी कॉन्शियस, एवरी मोमेंट यू हैव टू बी कॉन्शियस टू वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ. एवरी मोमेंट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट, एवरी मोमेंट साडा हर पल जड़ा एक टेस्ट होने वाला है. तो इस करके गुरबाणी ने कहा भई प्राप्त मानख देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज कीते ना काम मिल साध संगत बज केवल नाम. सिर्फ नाम जपना है. ते परसों असी एकादशी मनावांगे निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी दे विच जेड़े रख सकते हैं वह जरूर रखन. पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी, पानी भी नहीं पीना है, अगले दिन पानी पीना है जो व्रत तोड़ांगे द्वादशी वाले दिन नेक्स्ट डे ते दैट डे. और अगर सेहत मंदी होए तो जरूर रखो, नहीं मंदी है तो यू कैन कीप दिस एकादशी विद फ्रूट्स एंड फ्रूट्स एंड सैलड्स. तुम फ्रूट्स और सैलड ले सकते हो, नहीं तो फिर नॉर्मल एकादशी भी रख सकते हो, जस्ट दी
आलू और ग्रेन्स नहीं खाने। सो दिस इज देयर तपस्या है, एकादशी इज तपस्या। और एकादशी सिर्फ एकादशी रखने वास्ते नहीं की जाती, एक कोई कर्म कांड करके प्रभुपाद ने नहीं दिता। लोग भी एकादशी की कथा कहते हैं पढ़नी है, और असि इस्कॉन वी डोंट रीड दी एकादशी की कथा। ठीक है, अपनी नॉलेज वास्ते तुसी पढ़ सकते हो, जरूर पढ़ो, बट इट इज देयर कि यह कोई रिचुअल नहीं है। ये एकादशी इस करके कि उस दिन असी भगवान का नाम ज्यादा जप सकी, भगवान नाल ज्यादा जुड़ सकी, अपनी चेतना भगवान नाल जोड़नी है। तो एकादशी महीने के दो वो दिन हैं जो असं अपनी चेतना रब नाल जोड़ना चाहते हैं, कि इन दो दिनों के विच बाकी दिन 28 दिन जे इन्नी मेहनत की ना हो, माला जिंज मर्जी जपी हुए, पर एकादशी वाले दिन असी 25-25 माला का जप करके भगवान वाल करने हैं कि असी अच्छी तरह वो जप करने हैं। सो इस करके हर एकादशी का महत्व है, क्योंकि वो हर एकादशी भगवान नाल जोड़ती है, से रब नाल जोड़न का एक बहाना है। एंड एकादशी वाले दिन असी अपने आप नू जरा है कि इट इज लाइक डिवोटी वास्ते तो एवरी डे इज एकादशी है ना, डिवोटी वास्ते एवरी डे इज कार्तिक का महीना। ऐसा प्रभुपाद ने कहा, या लोकी सोचते हैं जिन कत्तक का महीना, कार्तिक का महीना आएगा तो ज्यादा मैं ज्यादा करांगा भक्ति, मैं ज्यादा ये करांगा, मैं ज्यादा रीडिंग करांगा। ऑफकोर्स वन शुड डू इट, इट्स वेरी गुड, बट एवरी डे डिवोटी वास्ते, भक्त वास्ते एवरी डे इज कार्तिक। और एकादशी का है कि अन्न नहीं खाना है उस दिन। सो दो दिन अन्न को परहेज है, अन्न नहीं खाना है, और ग्रेन्स लेंटल्स दाला नहीं खानी, अन्न नहीं खाना है। पर एकादशी का अर्थ ज्यादा है रब नाल ज्यादा टाइम देना, ज्यादा टाइम व्यतीत करना भगवान नाल। इहनू माधव तिथि कहा गया, यह बहाना है भगवान नाल जुड़न वास्ते एकादशी का दिन। तो असी कर्म कांड च नहीं विश्वास करते कि रिचुअल्स करने ज्यादा, इट इज फॉर एवरी मोमेंट वन हैज टू गिव टू कृष्णा। सो इट इज देयर कि असी हर काम जड़ा है, हर पल जड़ा है, वो भगवान दे नाल जुड़ना है अपने आप नू। से भगत एक डिवोटी वास्ते एवरी डे इज कार्तिक का महीना, एवरी डे इज ये दे वास्ते कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मंगल आरती करनी है कि नहीं करनी, कि आज मंगल आरती नहीं की थी तो आज मैं चलो उस दिन भी माला कर ला, कि अगर भी माला ऑप्शन है या मंगल आरती, नो, एवरी डे मंगल आरती इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज चैंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज देयर, सो एंड दिस इज देयर कि आप अगर रख सकते हो, यू कैन कीप विदाउट जल, पानी पीते बिना रख सकना रखना चाहते हो तो जरूर रख सकते हो, इट इज योर विश। और असी भगवान के नाल जुड़न का है बहाना है साडा। एंड मैं तुलसी महारानी वास्ते क्या गया सी, तुलसी महारानी दी कथा सारे जानते हैं कि तुलसी जी नू वो योनी च नहीं आंदे, शी डज नॉट कम इन दी योनी, जड़े असी मन्या 84 लाख योनिया च, फूल पत्ते दी योनी है, प्लांट्स दी योनी है, पर तुलसी उन्हां तो उपर है, तुलसी जी योनी च नहीं आंदे। तुलसी भगवान की बड़ी प्रिय है, बिना तुलसी तो भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। एंड तुलसी महारानी जड़े है दैट इज देयर कि शी केम डाउन, उन्होंने जो इस संसार दे विच आना पिया, क्योंकि उन्हों की एक इच्छा सी कि विष्णु दे नाल उन्हों का विआह होवे, एंड शी वॉन्टेड टू गैट मैरिड टू विष्णु। ते जो वृंदा देवी है दैट इज तुलसी महारानी, ते वृंदावन जड़ा है वह तुलसी महारानी का है, तुलसी महारानी इज दी वृंदा देवी। ते ओ जड़े ना शी केम टू दिस मृत्यु लोका, एंड उन्होंने शंखचूड़ा और जलंधर राक्षस दे रूप में जड़े आए उन्होंने नाल उन्हों का विवाह किया गया। इट वॉज ऑल लीला, ते वो बड़ी चेस्ट वूमेन सन, शी वॉज वेरी चेस्ट, शी इज तुलसी। ते की वरदान सी जलंधर असुर नू कि ओनू कि वो युद्ध किसी नाल भी करेगा जब तक तुलसी बैठेंगे मेडिटेशन इच, तो उन्हें कोई नहीं मार सकता, ते ए वरदान सी उन। सो जदों उदा विष्णु नाल युद्ध होया, भगवान दी लीला है, विष्णु दे नाल युद्ध होन जा रहा है, ते तुलसी जड़े शी इज इन मेडिटेशन, ते भगवान बड़े चलाक हैं, भगवान की कर दें तुलसी दी चेष्टिटी तोड़न वास्ते जलंधर दे रूप धारण करके तुलसी को ला दें, और शी लूजेज हर चेष्टिटी, एंड देन ही रिवील्स, और उधर वो जलंधर राक्षस का वध कर देंगे। ते जलंधर राक्षस जदों मारे जाता है ते तुलसी तद श्राप दिंदी है भगवान कि जिन तुसी मेरी चेष्टिटी कीती है पंग, तुसी उन पत्थर दे रूप च गंडकी रिवर च, जड़ी नेपाल दे कोल रिवर है गंडकी, उत्थे पाए जाओगे। सो आज भी गंडकी दे विचों जदों
शालीग्राम शिला जड़ी है ना, वो गंडकी रिवर च निकलदी है। ते फिर तुलसी जी का विवाह होया भगवान दे उस रूप दे नाल, उस पत्थर वाले रूप नाल। सो दिस इज देयर कि तुलसी महारानी जड़ी है वो कथा मैं पूरी फिर तो दोबारा करांगी डिटेल दे विच हिंदी क्लास विच। सो आज तो जैसे मैं सोचा कि आज निर्जला एकादशी ते बार बार प्रश्न आ रहे हैं, मैं दस दें तो तुलसी महारानी दी बड़ी ज्यादा मानता है कि क्या गया शास्त्रां दे विच जड़े तुलसी नु धारण कर देन, जिन तुलसी माला और तुलसी माला ते जप कर देन, तुलसी जड़ा है गया है दैट इज यम दे दूत जड़े ने, यमराज दे जड़े दूत नु हाथ नहीं लगा सकते जे तुहाड़े शरीर ते तुलसी छुई होए। जे शरीर ते तुलसी होए ते भगवान दे दूत ही आणगे लैन, और सिंसेरिटी भी काम करेगी। यानी कि सिर्फ असी बुरे कर्म करते रहिए और सोचिए तुलसी पाई है तो सब कुछ होएगा, भगवान सब जान देन और सारा कुछ वेख देन, सब समझ देन। ते तुलसी पान नाल है कि भक्ति दे विच तुहानू हिम्मत बद्दी है, बिकॉज तुलसी हेल्प्स यू इन भक्ति। एंड दिस इज देयर कि तुलसी महारानी जड़ी वो साढ़े वास्ते इट इज कि पायस, बड़ी ही पवित्र पायस है तुलसी। और तुलसी के बिना क्योंकि भगवान भोजन नहीं लेंदे, तुलसी असी द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ते, एंड संडेज एंड ऑल असी जल पाने हैं, संडे नू तोड़ने भी हैं जल भी पाने हैं। संडे मंडे डजेंट मैटर, ओनली द्वादशी मैटर्स कि एकादशी तो अगले दिन असी तुलसी नहीं तोड़ने हैं। मूलचंद वटवानी जी सिंह, हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स योर सर्व इज सुपीड हरी प्रसादम लेक्चर इज आई डोंट अंडरस्टैंड। तो दिस इज देयर एंड देर आर अदर क्वेश्चन, लेट मी टेक, ओनली 15 मिनट्स आर लेफ्ट। काकली सेन, हरे कृष्णा, निक्की मित्तल, राजू हांडा, नीति बत्रा, राधा अग्रवाल, अनु अरोड़ा, अनिल मेहता, सरिता कपूर, जिग्ना खारिया, जया कोहली, नवीन, गौरव सामकांत, रचना मेदीरत्ता, देर आर नो क्वेश्चन। काकली सेन, हरे कृष्णा अगेन, सीमा चावला, अनिता रेजा, वी विल बी सो ग्रेटफुल इफ यू कंटिन्यू टू शेयर विद अस योर नॉलेज एंड एनलाइटन अस आफ्टर लॉकडाउन। श्योरली आई विल बी देयर, डोंट वरी। We'll fix up some days and I'll be there. Vrindavasu, very nice today, Sunday feast. Hari Bol, Ritu Dhawan, Mataji, I'm doing Nirjala. Then what I do I offer to Bhagwan? Bhagwan ko to pura bhog lagega. You can offer, you have to offer Bhagwan ko to pura bhog hi offer karna padega. Ann, Bhagwan de vaste te ann ban sak banega. You can offer Krishna anything. Ann, Ekadashi food, anything, what you like. भगवान निर्जला नहीं रहते हैं, निर्जला हम रहेंगे, वी विल स्टे निर्जला। मुक्ता गुलाटी, राम कृष्णन, अनोरा, पूजा देवकन, गौरव सामकांत, माता जी हमें मटीरियल हैप्पीनेस कैसे महसूस होती है? मटीरियल हैप्पीनेस जो इतने जन्म से कर रहे हैं दैट इज मटीरियल हैप्पीनेस, व्हाट एल्स वी आर डूइंग? मटीरियल हैप्पीनेस ही तो, उसी के पीछे तो भाग रहे हैं, ऑल द रिलेशंस एवरीथिंग है, मटीरियल हैप्पीनेस तो हैगी है जिसके पीछे असं दौड़ने हैं। दानिश शर्मा, माता जी, संडे नु तुलसी देवी पीपल ते सूर्य देव ना जल पौन ते रोकया जाने। ए दिस इज ऑल कास्ट ब्राह्मण कर्म कांडी पंडित करांदे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ द्वादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ने आसी और ए कुछ नहीं है। नैना गिलानी, कैन मॉडर्न वे ऑफ लिविंग एंड स्पिरिचुअलिटी गो इन हैंड इन हैंड? इफ वी गो इन स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, अच्छा नहीं लगता। व्हाई अच्छा नहीं लगता? व्हाई व्हाई डजंट इट लुक नाइस? इट इज देयर नैना गिलानी, दैट मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, व्हाट इज मॉडर्न वे ऑफ लिविंग? मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, यू कैन ड्रेस अप नाइसली, यू कैन ड्रेस अप इन योर वेस्टर्न क्लोथ्स ऑल्सो, बट दे शुड बी वेरी रिस्पेक्टेबल। एंड देन व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू बी, इट्स नथिंग टू बी डिस्कार्ड, लाइक इट्स एन ओल्ड फैशन और समथिंग। वन कैन बी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी इज योर इनर सेल्फ कनेक्टेड टू कृष्णा, सो देर इज नो हार्म। There are many, you see, many big people, those who are spiritually inclined. Like I have given the example of George Harrison was. Then we have Alfred Ford, the owner of Ford Motors. He is very, like, he is spiritually inclined. So, of course, it can go, it depends upon you, how smartly you can take it. It's just you don't eat, restrictions on your food is there. That is, it's okay. If the doctor also puts some restrictions on you, you will follow them. So there is nothing wrong. And chanting, chanting is a meditation. You're giving 2 hours, 1.5 hours or 2 hours for yourself. So that is your own personal thing. So spirituality is your personal thing. So what else is modern way of life? Modern way of life is moral values you don't compromise. In modern way of life also, you should have those moral values with you. Moral values, they sadiyan badi zaruri.
झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दिल नहीं दुखाना किसी का, चंगा व्यक्ति बनना. तो दैट इज अ गुड वे इन मॉडर्न लाइफ ऑल्सो. ऑफकोर्स एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड विद द स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल गोज हैंड इन हैंड. दीप्ति कपूर कैन बी हैव आलू राज के आटा या होने का दशी. यस विशाल कुमार प्रमलानी आर स्क्रिप्चर्स आर वेरी एडवांस देन थैंक टूडेज पीपल. पूजा शर्मा कैन यू प्लीज शेयर योर लाइफ स्टाइल विद भक्ति. माई लाइफ स्टाइल आई डिंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन पूजा शर्मा. दानिश शर्मा माता जी लाइक इट्स ट्रू एंड यू आर सेड कि गॉड ता हर टाइम जग रहे न, फिर मंदिरों नू दोपहर विच क्यों बंद क्यों रखा जाता है. यस कृष्णा इज असी भगवान रब नू अपने वर्गा असी साड़ी आत्मा है तो सुपर सोल असी उन्हां नू करता पुरुष बुरश मान रहे हैं, करता पुरख मान रहे हैं. ते उन्हां नू इस करके उन जी सुलाया जगाया सब कुछ उन जाता है जिन वो साढ़े व्डे है दैट इज देयर. सो वेर आर सच थिंग्स. और गुरुद्वारा जड़ा है वो गुरु का घर है, वो दैट इज गुरु, वो गुरु का द्वार है, वो हरी ने मंदिर दे विच हरी की स्थापना है. सो हरी इज भगवान और भगवान नू मिलाण वाले गुरु ते गुरु ते 24 घंटे जागते हैं, वो तो 24 घंटे रब का नाम लै रहे हैं, वो 24 घंटे तुहानू वेलकम कर, 24 घंटे तुहानू गुरु जिहड़े नू भगवान नाल जोड़ना चाहते हैं. तो इस करके गुरुद्वारे खुले रहेंगे पर रब का घर जड़े रब आप उन्होंने असी उसे उत्थे कीर्तन 24 घंटे चलता है. जे तुसी इस्कॉन दे मंदिर आओ तो कई जिन वृंदावन है उत्थे 24 घंटे 24 आवर कीर्तन है. तैन जी 24 घंटे कीर्तन चलता है पर भगवान के दर्शन बंद किए जाते हैं क्योंकि भगवान नू उंज ही किया जाता है जिन जो आप उस टाइम मौजूद हैं, उन्होंने आराम का टाइम, उन्होंने उठन का टाइम, उन्होंने भोग लगा का टाइम, सब उसी टाइम चलता है उंज ही. सो पूजा शर्मा आपकी आपकी दिनचर्या माय दिनचर्या हो दैट इज आई एम जस्ट लाइक व्हाट एवरीबडी डज इट इज देयर. आई एम आई गेट अप आई डू माय चैंटिंग आई हैव माय हाउस होल्ड कोर्स टू डू आई डू देम आई फिनिश विद देम. सो मैं सारे काम उंच करनी है एंड आई एम मोर एक्टिव लाइक इन माय हाउस होल्ड कोर्स कुकिंग cooking myself, doing everything. These days, no help even. In the lockdown, we have no help. So doing lots of work on my own. And then I study a lot. I read a lot. I like to read. I like to read scriptures. I like to read. I like to write articles. I keep on writing something. So my lifestyle is that. Or I'm preaching. So and I have a family also. I have my daughter, my son. I spend time with them. So this is my daily routine. Dipti Kochar, can we have more than one guru in lifetime? Yes, the Diksha Guru has to be one. And Diksha Guru should be genuine from a bona fide. Diksha Guru is bona fide. Pramanik Diksha Guru. And Shiksha Guru can be many. Meenakshi Verma, why we don't pluck on leaves on Tawadashi? We give rest to Tulsi Maharani that day. दीप्ति नंदा हरे कृष्णा. मूलचंद वटवानी गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ को जो भोग लगता है गार्लिक दैट इज देयर प्रॉब्लम बिकॉज अगर मणिकरण साहब जाएंगे तो वहां पे भोग नहीं लगता प्याज लहसुन का. बट जो इट्स इज ऑल आई कांट टॉक अबाउट देम देम दे हैव कई मंदिरों में भी लाइक कई लोग जो हिंदू भी हैं दे ईट अनियन गार्लिक एंड दे ऑफर अनियन वाला फूड टू भगवान ऑल्सो कि हमारे भगवान खाते हैं. तो ऐसे ही मैं किसी बक के बारे में नहीं कह सकती बट इन इस्कॉन व्हाट वी फॉलो आई फॉलो दैट स्ट्रिक्टली. पूनम तिवारी माता जी मेरी फ्रेंड एक सिख है शी सेड कि उनको ग्रंथ में फास्ट रखने को नहीं कहा गया. या गुरु नानक देव जी ने कर्म कांड से मना किया है. गुरु नानक देव जी सेड कर्म कांड नहीं करना है बट देन कर्म हम इस्कॉन में भी से दैट हम कर्म कांड नहीं करते हैं. अगेन एंड अगेन रिपीट ऑलवेज कि हम रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं. तभी मैंने आपने एकादशी का भी पूछा. आई सेड हम रिचुअल्स नहीं करते हैं. एकादशी को रिचुअल नहीं लेते. प्रभुपाद सेड एकादशी इज नॉट अ रिचुअल. ये सिर्फ आप अन्न से परहेज कर रहे हो. अन्न से परहेज करना हमारा मतलब नहीं. हमारा मकसद है भगवान से ज्यादा जुड़ना. तो इट इज अ एडेड फैक्टर कि एकादशी के दिन भगवान ने बोला है कि जो मेरे नाम लेगा ज्यादा, जो मेरे से ज्यादा जुड़ेगा उसको ज्यादा फल मिलेगा. सो दिस इज देयर एंड हम कर्म कांड में नहीं जाते हैं. एंड गुरु नानक देव जी सेड कि दया अगर सूतक भी है तो सूतक कौन से होते हैं. झूठ है सूतक. जीवा का सूतक झूठ है. लोभ सूतक है मन का. तो इनको त्यागना है. ऑफकोर्स ये त्यागने हैं.
और एकादशी की महिमा उन्होंने गाई है. आई हैव अ कोट विद मी एंड टुमारो इन द क्लास आई विल रीड दैट कोट. आई विल रिमेम्बर टू गेट दैट कोट. आई हैव अ कोट फ्रॉम द ग्रंथ साहिब कि एकादशी रखनी है तो कैसी रखनी है. गुरु नानक देव जी टेल्स कि ये होती है एकादशी. तो इसका अर्थ है कि वो गुण भी लाने हैं अपने अंदर. अगेन एंड अगेन आई टेल यू दिस, बी अ सेल्फ रियलाइज सोल. वो गुण भी अपने अंदर लाने हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं रखनी है. लोग नाम के लिए रखते हैं, उदापन करते हैं, इस्कॉन में ये सब नहीं है. प्रभुपाद डिड नॉट गिव ऑल दैट. सो इट इज देयर कि प्रभुपाद ने ये मना किया कि तुम्हें इसके लिए एकादशी नहीं रखनी है कि उसका उदापन करना है. तो पूरा जीवन रखनी है. एक बहाना है कि महीने में 2 दिन आपने अन्न से परहेज किया. प्रभुपाद से हम कर्म कांड नहीं करते. 2 दिन अगर आप अन्न नहीं खाएंगे भक्त हैं तो आप कितना अन्न बचाते हैं जो गरीबों में बांट सकते हैं. सो दिस इज देयर ही सेड यू डू लुक एट इट दैट वे एंड चैंट मोर टू प्योरिफाई योर सेल्फ. एक बहाना है, टेक इट आउट एज अ, आपके लिए बहाना है कि मेरे को उस दिन ज्यादा जप करना है. मैं दानिश शर्मा इज आस्किंग अगेन, माता जी लास्ट क्वेश्चन इज, इट्स मस्ट हैव टू हैव अ ह्यूमैनिस्टिक गुरु टू मीट कृष्णा और वी कैन फॉलो पीपल लाइक यू, टेक लर्निंग्स फ्रॉम यू एंड कीप ऑन चैंटिंग व्हाइल डूइंग ऑफ डेली जॉब्स. वेरी गुड क्वेश्चन दानिश शर्मा. आई वॉन्टेड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन टू कम अप. यू सी फ्रॉम वेयर डिड आई गेट द नॉलेज? डोंट, इफ आई एम गिविंग द नॉलेज टूडे टू यू ऑल, फ्रॉम वेयर डिड आई गेट अ नॉलेज, गेट दिस नॉलेज? मुझे ये नॉलेज अपने आप से नहीं आई है. आई एम नॉट दैट इनलाइटेंड कि मेरे को अपने आप से रातों रात ये नॉलेज आ गई. इफ आई एम एबल टू गिव दिस नॉलेज टू एवरीबडी, इट इज जिनसे मैंने दीक्षा ली है, इट इज हिज मर्सी ऑन मी. वही ग्रंथ साहब जो मेरे पास पहले भी थे, वही गीता हमारे घर में पहले भी थी, पर वो समझ नहीं आती है. वो तभी गौतम ज्ञान है. वो गौतम ज्ञान सामने पड़ा हुआ भी समझ नहीं आता. दैट्स व्हाट कृष्णा सेड, दिस इज द गौतम नॉलेज. आई एम गिविंग यू द गौतम ज्ञान. सो गौतम ज्ञान, किसी का प्रश्न था कल ये गौतम क्यों है, ये तो साफ लिखा है. दैट इज करेक्ट, साफ लिखा है, पर फिर भी गौतम है क्योंकि वो समझ नहीं आता ऐसे. सो मुझे कैसे समझ आया? बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज. सो बिकॉज ऑफ हिम आई कुड अंडरस्टैंड एंड आई, उनकी मर्सी है कि आई कैन स्पीक बिकॉज ही ऑर्डर्ड. उन्होंने मुझे, मेरे पे कृपा की एंड ही टोल्ड मी. ये जड़ी पंजाबी दी क्लास भी आज तुझे सुन रहे हो बिकॉज उन्होंने मैनू ए गल आज तो 15 साल पहले भी कही सी कि आया मैं पंजाबी दी क्लास दिया करा. मेरा जी टीवी ते रोज आंदी सी लाइव ऑन जी जागरण चैनल सी. उत्ते मैं तकरीबन कोई 2-3-4 महीने हर रोज आंदी सी एंड बीइंग अ स्पीकर फ्रॉम ऑन गीता फ्रॉम इस्कॉन. एंड देन ऑल्सो गुरु महाराज सेड के तू ना पंजाबी दे लैक्चर दिया कर. ते मैं एक ऑडिशन भी दिता, फिर उन्होंने चैनल दे विच होया ही नहीं पंजाबी दा लैक्चर. एंड देन व्हाट हैपन ग्रेजुअली, जो मैं उन्होंने दसिया कि आई एम गोइंग पैनडेमिक दे विच लॉकडाउन विच एवरी डे आई एम गोइंग लाइव, तो ही सैड स्टार्ट गिविंग पंजाबी लैक्चर अगेन. एंड देन आई स्टार्टेड विद दिस पंजाबी लैक्चर. सो दैट इज, ओ कौन है करांदा है? ही टोल्ड मी. ते इस करके सिर्फ मैनू फॉलो करन दे नाल भगवान नहीं मिलते, मैनू भी ना मिलते. मैं भी जो सब कुछ कह पा रही हूँ, जो ज्ञान जरा मन टिक रहा है, सिर्फ उन्हों की कृपा है. ए बुक भी उन्होंने लिखाई है. ए बुक भी मैं नहीं पता सी कि मैं लिख सकनी है कि नहीं. ही ओनली डिड इट. सो गुरु दीक्षा गुरु जनन, ही इज वेरी पावरफुल. और ओ सिंसेरिटी साड़ी वेख देन और सानू ओ ज्ञान दे देन. सो दिस इज देयर रॉयल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. व्हाट अ नेम. माता जी क्या गुरु ग्रंथ साहब कलयुग के सच्चे गुरु हैं. सो गुरु ग्रंथ साहब और गीता एक कोई गल लिखी है, सब कुछ सेम है. यही तो मैं थोड़े सामने रख रही हूँ. दिस इज व्हाट आई एम गिविंग टू द वर्ल्ड. तभी मेरा किताब लिखने का मकसद ही यही सी कि इट इज ऑल द सेम. दोनों दे विच कोई अंतर नहीं है. उन्हें फॉलो करना जरूरी है. तुसी फॉलो नहीं करते तो इस करके असी सोच रहे हो इस धर्म की हो उस धर्म की. बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं है. दोनों धर्म इको ही है. भगवान का कहना मनना, जिन्हें भगवान का कहना मनिया वो सही रस्ते ते तुरे हो, वही इंसान बनेगा, होर इंसान नहीं है कोई. 4 लख तरह की ह्यूमन स्पीशीज, 4 लख तरह के मनुष्य की कॉन्शियसनेस है. तो जरा रब न जुड़े वही टॉप मोस्ट है. वो उत्थे तमका नहीं देखते कि यह किड़ा गया है, यह हिंदू है कि सिख है कि मुसलमान है कि ईसाई है. वो भगवान है देखते हैं मेरे नाल कितना जुड़िया है. तो भगवान नाल जुड़न का रस्ता यही है कि जो असं ना जप करने. दानिश शर्मा, इट्स नॉट टू टारगेट एनीवन, इट्स बिकॉज देयर इज अबंडेंस ऑफ सो कॉल्ड बाबाज होम वी शुड बी केयर ऑफ केयरफुल ऑफ. दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक किया तुसी. तदी गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर, और गुरु मिलदन जिन तुसी आंदे हो.
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਸੇਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਸੇਅਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਸੇਅਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਸ਼ੁੱਧ ਡਿਵੋਟੀ ਆਫ ਅ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। धन्यवाद माता जी फॉर आंसरिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू। क्षमा महाजन, जैसे पहले हमें गीता समझ नहीं आ रही थी पर अब समझ आ रही है, थैंक यू माता जी। पॉसिबल एंड व्हेन दैट टाइम कम्स विद कृष्णा मर्सी हेल्प मी इन चूजिंग अ प्योर गुरु। इट इज ओपन, आप डिस्क्रिशन से सब समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी वोकल बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड वॉट आई एम मीनिंग टू से। फॉर मी माई गुरु महाराज इज द मोस्ट प्योर फॉर्म and he has really blessed me and he blesses jo bhakti karega jo khud drin hai aur jo determination se karega why not the guru will bless him it is there so I think so we should end up here royal history again mata ji main to ek manta hu main khud krishna ji ko manta hu lekin guru granth sahib mein krishna vani itni zyada aati hai log usse mante hi nahi mere bhi rishtedar galat bolte hain unko kaise samjhao आप रिश्तेदारों को समझाते समझाते समय निकाल देंगे। यू जस्ट जो लिखा है उसके पर आप अमल करना शुरू करिए। जो ग्रंथ में और गीता में लिखा है हरि का नाम जपना है, तो जब हरि का नाम ही नहीं जपा तो फिर हम कैसे जाएंगे पार। सो रिश्तेदारों को अभी बाद में देखिए, फर्स्ट यू डू इट फॉर योर सेल्फ। पहले आप नाम जपना शुरू करिए, जो कह रहे हैं उस पर चलिए, जो गीता एंड द ग्रंथ साहिब सेज फॉलो दैट। जब आप उस पर चलेंगे, एंड प्रभुपाद सेड डोंट बी फनेटिक वन थिंग। फनेटिज्म से हम बहुत परे हैं, हम फनेटिज्म में नहीं जाते, कट्टरपंथी में नहीं जाते। समय और अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस वी प्रीच, एंड वैसे ही रहना पड़ेगा। सो हरे कृष्णा माता जी, आप जब सुबह ना हो पा रहा है इसीलिए नुकसान तो नहीं है भक्ति में। नवीन शर्मा, जब का करना सुबह अमृत वेला बेस्ट टाइम है, आइडियल टाइम है। सुबह नहीं होता है तो उसको किसी तरह पूरा करिए, पूरे दिन में आदत बनी रहेगी तो फिर दिन में भी सुबह सुबह भी होगा। माधुरी मीनाक्षी, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, धनवत प्रणाम, धनवत हरि बोल। सो वी एंड अप हियर, इट्स 12:30। आज शाम ही फिर उन्हें सारे नू आई सेंड द ईमेल्स, सारे थोड़ी देर दे विच ईमेल मिल जाएगी जिन जिन्हें रजिस्टर किया है। सो वी विल मीट अगेन एट 5:30, ऐसे फिर मिलेंगे on the Cisco WebEx. So, and don't forget to share this lecture. All the lectures must be shared every day. Shai Soni, love to hear from you. Hare Krishna, Royal Ji, Mata Ji, aapka bahut bahut dhanyavaad. Aapke channo mein, it's okay. Aap FB ho, hum aapse judna chahte. Yes, I am there. Hare Krishna. So thank you very much for joining me. Hare Krishna. Ritu Dhawan, she says share. That's nice. I feel happy when you people take the, you know, small initiatives. That proves that you are serious. I was happy when I got, but not very happy. Kyunki mere ko round about say 500 people are with me. And unme se 250-300 ka hi mere paas registration aaya hai. So I wanted ki WhatsApp pe jo bhi main assignments bhi deti hun, they are not being done. Not many are doing, not all of them are doing. So maine pehle hi kaha tha ki those who are coming up with me on the WhatsApp also, I want them to be very serious. So I like those who are serious in bhakti, those who really want to do bhakti. Just they don't want to make a show of bhakti or they don't want to be popular among the devotees. So I thank you all for, I again, main saara nu thank you karni hai, dhanwad karni hai. So assi fir milange shami 5:30 baje, and please keep on sharing all these lectures and keep on subscribing on the, apne friends ko nu bhi kahiye, they should subscribe on the YouTube channel so that we may become a bigger group and we may preach more to more people in this lockdown period as well. Hare Krishna. Hari bol. Shila Prabhupada ki jai, Shila Bhagwat Pad ki jai, Shri Radha Radhikaraman Bhagwane ki jai, Shri Gornitai ki jai, Bhagwat Gita Yatha Roop ki jai, Shrimad Bhagwatam ki jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna.